पुरानी पेंशन बहाली को लेकर साइकिल संकल्प यात्रा कल देर शाम अंबाला पहुंची। कार्यकर्ताओं ने साइकिल संकल्प यात्रा की अगुवाई कर रहे यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और उनके साथियों का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनका समर्थन करते हुए उनका स्वागत किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए साइकिल यात्रा निकाल रहे कर्मचारियों का क्या कहना है, जरा सुनिए। हमारी यूपीएस संकल्प यात्रा 2 जून को हमने नांगल चौधरी से शुरू की थी और इसका एकमात्र उद्देश्य हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना। सभी जिलों से होते हुए आज हम यहाँ अम्बाड़ा में पहुँचे हैं, कल पंचकूला और फिर परसों चंडीगढ़ पहुँचेंगे, जहाँ महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक नियमों को लागू करवाने के लिए की जाती है और पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम उनसे गुहार लगाएंगे, जो सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लाठी डंडों का प्रयोग कर हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, झूठे बयानबाजी करके इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उनको आदेश पारित करे कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू की जाए। ये साइकिल संकल्प यात्रा यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में नांगल चौधरी से चंडीगढ़ के लिए निकाली गई है। वो चंडीगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर एनपीएस हटाने और ओपीएस लागू करने की मांग करने वाले हैं। बता दें कि मांग स्वीकार नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ गांव वाइज आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई है। आज हम यहाँ पे जो साइकिल यात्रा के जो नांगल चौधरी से चल के पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, पूरा कर्मचारी जो पीबीबीएस संघ है यहाँ पे हम उनको समर्थन देने के लिए खड़े हैं। पहले उनका स्वागत करेंगे और पूरी कांग्रेस उनका समर्थन करेगी और 2024 में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने मैनिफेस्टो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और जो उदय भान जी ने जो मैनिफेस्टो निकाला उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम जहाँ भी हमारी सरकार आएगी हम ओपीएस चालू करेंगे, ओपीएस को लागू करेंगे, तो इसलिए सारी टीम यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़ी है। साइकिल यात्रा के अंबाला प्रवेश करने पर कांग्रेस द्वारा भी यात्रा का स्वागत किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों को फूल मालाएं पहनाई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उनका कहना है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे पहले इन लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। अंबाला से कृष्ण बाली, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।